हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर क्या होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उनको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारी पूरी लेक्चर सीरीज हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज देखिए, जो फॉर्म फैक्टर होता है बहुत ही आसान है इसकी डेफिनेशन। तो बेसिकली ये रेशियो होता है आपका आरएमएस लोड वोल्टेज और एवरेज लोड वोल्टेज का। तो दोनों ही के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आरएमएस लोड वोल्टेज क्या होता है और एवरेज लोड वोल्टेज क्या होता है, इन दोनों की क्या वैल्यूज होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका फॉर्म फैक्टर है, जिसको हम सिंपली एफएफ भी कह सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है कि आरएमएस लोड वोल्टेज अपॉन एवरेज लोड वोल्टेज का रेशियो है। अब आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो वीआरएमएस की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी वो थी आपकी वीएम बाय टू, ठीक है। उसी के साथ साथ जो वी एवरेज की वैल्यू है वो थी आपकी वीएम बाय पाई। तो आई होप ये आपको कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब वैल्यूज यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वीएम बाय टू अपॉन वीएम बाय पाई। अब ये वीएम से वीएम कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी, ये हो जाएगा आपका पाई बाय टू, और पाई की वैल्यू आपकी होती है 3.14 अपॉन टू, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.57, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल गई है फॉर्म फैक्टर की। और ध्यान रखिए, फॉर्म फैक्टर जो है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन वन होगा। अब ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपको मिल गई है 1.57, तो हम इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, अगर देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे 1.57, तो आपको क्या मिल जाएगा कि वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो हमेशा 1.57 टाइम्स होती है आपकी वी एवरेज वैल्यू से। तो बेसिकली ये सभी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए, इसीलिए मैं आपको इन डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि वी आर एम एस की वैल्यू कितने टाइम्स होगी वी एवरेज की, उसी तरीके से फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछ ली जाएगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ईजी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर वेव है, ठीक है, ये आपकी स्क्वायर वेव है, तो स्क्वायर वेव के केस में याद रखिए कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो वीएम के इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि जो आरएमएस वैल्यू है वही वीएम होगी, और जो वी एवरेज की वैल्यू है वो भी आपकी वीएम के इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होगा तो वो होगा वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज, यानी कि वैल्यू रख दीजिए वीएम अपॉन वीएम, तो ये जो है वो आपका आ जाएगा वन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो फॉर्म फैक्टर होगा वो उसकी वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन वन आई थी, लेकिन जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा एक या एक से ज़्यादा होगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्म फैक्टर आपका क्या होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, रिपल फैक्टर क्या है, तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज आती है या फिर लोड करंट आती है आपकी किसी भी रेक्टिफायर की, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लोड के अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज है लोड करंट मिलेगी, उसमें बेसिकली आपके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं आपके डीसी कंपोनेंट जो हमें चाहिए, डिजायरेबल हैं, उसी के साथ साथ इसमें एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एक डीसी कंपोनेंट और एक एसी कंपोनेंट्स आपके होंगे। अब जो एसी कंपोनेंट्स आपके आउटपुट में प्रेजेंट हैं, इन्हीं एसी कंपोनेंट्स को ही हम कहते हैं कि ये आपके रिपल्स हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल क्या हैं। अब देखिए, जो ये रिपल होते हैं यही कारण बनते हैं कि आपके जो आउटपुट है उसमें आपका पल्सेटिंग आती है। ये सब मैंने आपको बताया था कि आपको प्योर डीसी नहीं मिलेगी, जो पल्सेटिंग आएगी उनका कारण है एसी कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेक्टिफायर की जो इफेक्टिवनेस है कि कितना काम का है, वो डिपेंड करता है कि उसके आउटपुट में कितना रिपल है या कितना रिपल का मैग्नीट्यूड है। या सिंपल सी बात ये कह सकते हैं, जितना कम आपका रिपल होगा उतना ही रेक्टिफायर आपका इफेक्टिव होगा। तो सिंपल सी बात यह है यहाँ पर कि रिपल फैक्टर क्या है, ये सिंपल ये है कि जो आउटपुट है वो आपकी कितनी प्योर है, ठीक है। किसी भी रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो कितनी प्योर है, तो उसको नापने का एक पैमाना है आपका रिपल फैक्टर। तो अब देखिए, रिपल फैक्टर के लिए जो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है
तो रिपल फैक्टर को हम आर से भी डिनोट करते हैं, ये इज इक्वल टू होता है आपका द आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है, उसी के साथ साथ अपॉन में आएगा जो डीसी कंपोनेंट है आपका आउटपुट वोल्टेज में उसकी वैल्यू। अब हम दोनों ही केसेस को ले लेते हैं कि अगर आपका हम वोल्टेज की बात करें तो यहां पर हम कह देंगे ये हो जाएगा वी आर, सबस्क्रिप्ट है आपकी आर, वी आर आर एम एस अपॉन वी डी सी। अब दोनों ही की बात अभी मैं बता देता हूँ आपको, इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं आप आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी। अब देखिए वी आर आर एम एस आपका है क्या, मैंने आपको जैसे कि बताया कि आउटपुट वोल्टेज में जो आपका एसी कंपोनेंट है उसकी आर एम एस वैल्यू है। आउटपुट वोल्टेज में जो आपका एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू है अपॉन वीडीसी है, तो वीडीसी तो आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से आईआर आरएमएस आपकी क्या है, ये है आपकी जो आपकी करंट है, यानी कि जो आपकी आउटपुट करंट आ रही है उसमें जो एसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू है अपॉन आईडीसी, और आईडीसी आपको समझ में आ गया है कि क्या है, एवरेज या फिर डीसी वैल्यू है आपके लोड करंट की। तो ये सिंपल सा है, आपको ध्यान में रख लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान जो आपको रखनी है कि यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ दी रेक्टिफाइड लोड करंट, या फिर इसे कह लीजिए आप रेक्टिफाइड आउटपुट लोड करंट, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू होती है आपकी आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई डी सी का स्क्वायर, यानी कि जो आपका डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्लस आई आर आर एम एस का स्क्वायर, यानी कि जो आपका आउटपुट है उसमें जो इसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसको डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आपको एमसीक्यू जो आपसे पूछे जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट एक तरीके से आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है आपकी रेक्टिफाइड आउटपुट लोड करंट की, वो आपकी दी जाती है इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों साइड आईडीसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आईडीसी, दोनों साइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका आईआरएमएस अपॉन आईडीसी, और इधर आप डिवाइड करेंगे तो जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये आईडीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आईडीसी स्क्वायर अपॉन आईडीसी स्क्वायर ये आपका वन आ जाएगा, प्लस आपको मिल जाएगा आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी, और इसका मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा मैंने आई डी सी को अंदर जब अंडर रूट के ले गया हूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा और फिर डिवाइड किया है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको ये जो वैल्यू मिल गई है अब इसको आप फर्दर और सॉल्व करेंगे तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन वन प्लस आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो आई आर आर एम एस अपॉन आई डी सी की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी इसका होल स्क्वायर माइनस वन, और इधर स्क्वायर था तो इस साइड में अब आपके अंडर रूट आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है आपकी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है यही तो आपका आर है, यानी कि रिपल फैक्टर है। तो ये आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन। और अभी आपने फॉर्म फैक्टर भी पढ़ा है तो आपको पता है फॉर्म फैक्टर आपका क्या था, आर एम एस वैल्यू टू दी एवरेज वैल्यू या फिर डी सी वैल्यू। तो ये चीज क्या है आपकी, फॉर्म फैक्टर है, तो यानी कि इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन। तो रिपल फैक्टर आर की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट एफ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए कितने टाइप के आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, किसी भी टाइप से आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा कि आर की वैल्यू क्या होती है रिपल फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर के भी टर्म में, उसी के साथ साथ आई आर एम एस और आई डी सी की टर्म में पूछ लिया जाएगा। तो ये जो है ये रिपल फैक्टर का जनरल फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं आपके हाफ
वेव रेक्टिफायर के लिए, तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको दोनों ही वैल्यूज पता है, यानी कि आई आर एम एस भी पता है आपको और उसी के साथ साथ आई डी सी या आई एवरेज की वैल्यू भी पता है। आई आर एम एस आपको पता है, आई आर एम एस होता है आपका आई एम बाई टू, उसी के साथ साथ आई डी सी आपने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स में, वो था आई एम बाई पाई। दोनों की वैल्यूज रख देंगे आप यहाँ पर, तो आर यानी कि रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, अंडर रूट आई एम अपॉन टू अपॉन आई एम बाय पाई का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आई एम से आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आर की वैल्यू होती है आपकी 1.21। तो देखिए कितने एमसीक्यू आपके बन गए हैं कि आर की वैल्यू आपकी 1.21 होती है। अब देखिए इसको अगर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है आपका ऊपर आर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन, इसमें आप 100% कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप आर को परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 121%, यानी कि इतना रिपल इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल ही अनडिजायरेबल है। इसीलिए इसको काफ़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको देखिए डायरेक्टली भी निकालना है तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आपको पता है आपने कैलकुलेट की थी 1.57, इसका स्क्वायर माइनस वन, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1.21 ही मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, मेन है आपको ये जो फिगर्स हैं जैसे कि रिपल फैक्टर हो गया और उसी तरीके से आपके हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो गया, सभी याद होनी चाहिए। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और ज़्यादा लेक्चर आपके लिए बनाने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।